क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों तुम? नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। कहीं तुमने फिर से कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? कम ऑन आलिया, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे मना करने के बाद भी कुछ करूंगी। और वैसे भी तुम्हारे बारे में सोचना मैंने बंद कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बारे में भी सोचना बंद कर दूं। मैं अकेली हूँ और खुद की हेल्प खुद कर सकती हूँ। तुम्हें चलना है तो अपने रास्ते पे चलो, लेकिन प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ब्यूटिफुल नाइट, वंडरफुल लोकेशन और साथ में स्विमिंग पूल, इसे कहते हैं परफेक्ट रोमांटिक एटमॉस्फेयर। बस अब मुझे तनु के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्लान करना होगा। फैमिली और फुग्गी के चक्कर में मैं उसे बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा। आई नो वो मुझसे नाराज रहती है, पर आज मैं उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। पर सबसे पहले मुझे उसका मूड ठीक करना होगा, वरना सारा टाइम उसे रूठने मनाने में ही निकल जाएगा। ड्रामेबाज हो ना तुम? तुमने कहा था तुम बहनों को तैरना नहीं आता, तो पानी में मजे क्यों ले रही हो? क्या बुलबुल, तुम एक ही नाम पांच बार क्यों ले रही हो? तुम सच्ची में डूब रही हो? अरे ए, 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 फुगी, रुक। मैं आ गया हूँ ना। तुम्हें देखना नहीं आता तो पानी में क्या करी थी? क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। गलती मेरी है जो मैं खुद मरने तुम्हारे पास आ गया। तुम यहाँ पर कर क्या रही थी? बुलबुल को बचाने आई थी, वो डूब रही थी। चुप, खुद का पता नहीं और दूसरों को बचाने चली। अगर आप मेरी जगह होते और बुलबुल की जगह आलिया होती, उसे डूबने देते? इमोशनल करियो क्या? हाँ, इट वर्क। चलो मोटी हो गई हो। एक्सरसाइज़। फुगी, अरे यार ये दोनों बहनों के बीच में कहां अटक गया मैं? मुझे पता चला तुम दोबारा डूबने का नाटक किसके लिए कर दी? किसके लिए कर रही थी ना? अरे किस करने का इससे अच्छा बहाना नहीं मिला तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। पता है मुझे बचाने के लिए ना तुम्हें एक ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। 26 जनवरी को ना तुम्हें हाथी पे बिठा के मुंह पे पंच मारूंगा मैं। खुद की हेल्प नहीं कर सकती, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये लड़ने की जगह आपको पता है मैंने मौत को कितनी कर
मुझसे भी ज्यादा करीब से? हाँ। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? यही तो है। ये शोपीस है। मैं तुम्हारी दूरबीन की बात कर रहा हूँ। दूरबीन? चश्मा? शायद पानी में मैं लेकर आते। तुम लेकर आओगी? हाँ। कहाँ जाओगी और क्या लेकर आओगी? खड़ी रहो, मैं तुम्हारी आंखें लेकर आता हूँ। जब अकल बट रही थी तब तुम क्या सो रही थी? मतलब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर तुम यहाँ पर भी डूब गई ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं, समझी? डर के मारे ध्यान नहीं रहा। काश के दिमाग के लिए भी चश्मा बना होता। बुलबुल, बुलबुल, तुम ठीक तो हो? ये सब हुआ कैसे? तुम यहाँ कैसे? पूरब, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। बुलबुल, दी, बुलबुल तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है ना? तुम पूल में गई क्यों बुलबुल? तुम जानती हो तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, तुम्हें कुछ हो जाता तो? पूरब, मैं खुद नहीं कूदी, पापा, किसी ने मुझे धक्का दिया। पूरब, किसने मुझे धक्का दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें धक्का किसने दिया? चीजों में नहीं जानती किसने धक्का दिया मुझे। वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं देख ही नहीं पाई उसे। बुलबुल, जिसने भी तुम्हें धक्का दिया है ना, मैं उसका पता लगा लूंगा, लेकिन इस बारे में किसी को बताना मत। मैं नहीं चाहता कि सब लोग बेवजह परेशान हो। लेट्स गो। सुनो। यस सर। तुम वही हो ना जिसको पूल साइड की निगरानी के लिए कहा था? जी सर। तुमने देखा क्या किसी को वहां जाते हो? हाँ सर, तनु मैडम गई थी उस तरफ। तो तुमने रोका क्यों नहीं? पूछा नहीं उनसे कि क्या काम था? जी, उन्होंने कहा था कि मैं गेस्ट को सर्व करूं, नहीं तो अभी सर नाराज हो जाएंगे। तुम जाओ। ओके सर। मतलब ये सब तनु ने किया? तुम समझती क्या हो अपने आप वालिया? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे चीट करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तनु, क्या कहना चाहती हो तुम? अपना ये नाटक बंद करो वालिया। मैं जानती हूँ ये काम तुमने किया है, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी और के पास वजह नहीं है ये काम करने की। कौन सा काम, क्या करने को कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड लिसन स्वीटहार्ट, इस वक्त मुझे कुछ बात नहीं करनी है, मैं कुछ सोच रही हूँ, सो आई नीड सम टाइम अलोन प्लीज। क्या सोच रही हो वालिया? कहीं तुम पूरब और बुलबुल की हनीमून का प्लान तो नहीं बना रही? या फिर ये सोच रही हो कि उनका पहला बच्चा लड़की होगी या लड़का, या फिर उनके नाम भी सोच लिए तुमने? शट अप तनु। नो, आई विल नॉट। मैं चुप नहीं रहूंगी आलिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बुलबुल को स्विमिंग पूल में धक्का तुमने दिया है, और मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कम ऑन आलिया, बता तुमने धक्का दिया है या नहीं? बोलो आलिया, तुमने ये किया है या नहीं?
पूरा क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे? उसको जिसने बुलबुल को पूल में धक्का दिया प्रकृति। किसने? तनु ने। तनु? तुमने खुद देखा उसे धक्का मारते हो? प्रकृति मैंने खुद तो नहीं देखा पर मुझे उस पर पूरा शक है। आपको याद है जब हम बुलबुल से बात कर रहे थे उस टाइम मैंने तनु को वहां पे देखा था। मैं उसके पास गया अभी पर वो पता नहीं कहां चले गए। मैंने वेटर से भी बात करी, उससे पूछा कि उसने वहां पे किसी को जाते हुए देखा और प्रगति उसने वहां पे तनु को देखा था। हमारे आने से पहले तनु वहां पे थी। प्रगति मैं उसको इस वक्त बुलबुल बहुत घबराई हुई है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मैं तनु से बात करती हूं। बंद करो तरुण, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं तो पूल साइड पर गई भी नहीं। अच्छा चलो मान लिया, तो फिर मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रही? कहो नाली, तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते लेकिन मुझे नहीं। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था कि तुम इतना इजीली पूरब और बुलबुल की शादी के लिए मान कैसे गई, पर अब समझ में आया कि वो सब तुम्हारे इस प्लान का एक पार्ट था। लिसन तनु, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्वीटहार्ट, यू जस्ट ओवरथिंकिंग, दैट्स ऑल। ठीक है तो चलो मेरे साथ। कहाँ? पूल साइड, जहाँ बुलबुल और पूरब एक दूसरे को किस करने वाले। जब उनके साथ होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके किस करने से क्या प्रॉब्लम है? चलो आलिया, देखते हैं वो किस कैसे करते एक दूसरे को। चलो। नहीं था, मुझे नहीं जाना। जाना पड़ेगा आलिया, तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके रिलेशन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनु मैं नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? जब पूरब को तुम भुला चुकी हो तो उन दोनों के साथ होने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम है, है प्रॉब्लम तनु। मुझे पूरब और बुलबुल को साथ में देखने से प्रॉब्लम है। और अगर मैं वहां पर गई ना तो उस बुलबुल को उसे पूल में मैं तब तक डुबा कर रखूंगी जब तक वो अपनी आखिरी सांस ना ले ले। जान से मार दूंगी उसको मैं। और हाँ हाँ, मैंने धक्का दिया था बुलबुल को, मैंने उसे पूल में धक्का दिया था तनु। और मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं। पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि वो बच गए। मतलब इससे पहले जो कुछ भी तुम कर रही थी वो सिर्फ एक नाटक था? ऑफ कोर्स नाटक था स्वीटहार्ट, वो पूरा नाटक था तनु। और ये नाटक मैंने मैंने कैसे किया ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। हर मिनट कैसे मरी हूँ मैं, दिल दिल मरी हूँ मैं हर वक्त। और उस तकलीफ को मैं जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगी। माथे पर एक शिखर नहीं आने दी मैंने। हंसते हंसते सबको अपना चेहरा दिखाया, किसी को मालूम तक नहीं पड़ने दिया कि मैं कितनी तकलीफ में थी। और पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो किसी का नहीं हो सकता तनु, किसी का भी नहीं। और अपने पूरब के लिए मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। That's like my आलिया, जो कभी बदली नहीं थी और ना ही कभी बदलेगी। I'm so glad कि तुम पहले जैसी हो। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुमने अपने प्यार को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और उसे पाने के लिए पहले से बड़ा प्लान बनाया। I'm so happy आलिया, I'm so happy. Let's celebrate. Yeah, let's do that. Excuse me. Yes, ma'am. आपने एक लड़की को देखा है, पीच कलर की लॉन्ग ड्रेस में थी, कर्ली बाल एक तरफ कर रखे थे, गोरी है, बहुत गोरी है। Yes, ma'am. ऐसी एक लड़की आई थी अभी, इसी कॉरिडोर के फर्स्ट रूम में गई है। Thank you so much. Welcome, ma'am. चलिए अब हम लोग निकलते हैं, काफी देर हो गई है। लो जी, इस रोके के साथ बुलबुल भी पराई होगी। शादी के बाद आपकी एक और जिम्मेदारी खत्म। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो बहन जी, लेकिन बुलबुल के उस घर से जाने के बाद जो टेंशन आने वाली है ना, उसका आपको कोई आइडिया ही? अरे वाह, कौन सी टेंशन? हाँ ठीक कह रही हूँ भाई, प्रज्ञा की शादी के बाद हमें घर में कौन हंसाता था? बुलबुल।
मेरे और सरला के बीच में जब झगड़ा होता था तो उसको कौन संभालता था? बुलबुल। अब बुलबुल के जाने के बाद सरला तो हाय बुलबुल करके मेरा सर ही खा जाए। मैं हूं ना, मैं आपको बुलबुल की याद बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं आप दोनों को तंग भी करूंगी और आपको हंसाऊंगी भी। बिल्कुल ठीक बच्चे जी, जानकी सुन ले अपनी औलाद की बातें। हाँ सुन रही हूँ। कि कहने का मतलब ये है कि आप इससे जल्दी तंग आ जाएं और जल्दी से इसकी शादी कर दें। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। हाँ तुझे नहीं करनी शादी? मेरी प्रज्ञा और बुलबुल भी यही कहा करती थी। अरे हर लड़की यही कहती है, और जब लड़कियां ये कहने लगे तो इसका मतलब ये होता है शादी का वक्त आ गया। दीजिए अब आप छोड़ो भी ये सब बातें। हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बुलबुल का रोका इतने अच्छे से निपट गया। शुक्रिया कह के हमें पराया मत करो। हमारे लिए जैसे प्रज्ञा वैसे ही बुलबुल। हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया बेटा। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप प्रज्ञा को अपनी बेटी मानते हो और आपने बुलबुल को भी अपनी बेटी माना। वरना हमारा हॉल बंद होने के बाद मेरी हिम्मत तो नहीं थी कि इतना बड़ा फंक्शन मैं इतनी जल्दी कर पाते। ऐसे वक्त पर अपने ही तो काम आते हैं, और खुशी मुझे इस बात की है कि इस काम के लिए मेरा अभी आगे आया। बड़े भाई की तरह उसने सारी जिम्मेदारी उठाई है, मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। वैसे अभी दिखाई नहीं दे रहा, ये लोग सब है कहाँ? कि कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं देख के आती हूँ। अरे रहने दे, अरे सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। जल्दी क्या है, हम लोग घर ही तो जा रहे हैं ना, मिल लेंगे। चल सरला चलते। ठीक है बीजी, चलिए हम लोग निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। चलिए जी हम लोग निकलते हैं। ओके बीजी चल। चल चेस। वैसे एक बात समझ में नहीं आई मुझे आलिया, अगर तुम्हें बुलबुल को अपने रास्ते से हटाना ही था तो उस दिन कार एक्सीडेंट से बचाया क्यों? क्योंकि तुम बेवकूफ। बेवकूफ? तुमने वो प्लान बिना किसी सोच बिना किसी प्लानिंग के बनाया था। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम मेरी मदद करने चली थी, लेकिन एट दी एंड तुम खुद कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाती। मैं कुछ समझी नहीं। स्वीट हार्ट, उस एक्सीडेंट के बाद जब वो ड्राइवर पकड़ा जाता तो वो सबसे पहले तुम्हारा नाम लेता, और फिर क्या होता है तो तुम अच्छे से जानती हो। और तुम भूल रही हो कि पूरा बुलबुल के साथ में था, तो वो उसको कुछ होने नहीं देता। और अगर ऐसी हालात में वो बुलबुल को बचा लेता तो वो दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाते ना। हाँ पर इन सब में तुमने अपनी लाइफ पे रिस्क क्यों लिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मर तो मैं बहुत पहले ही गई थी तनु, जब पूरब के लिए अपनी जान देने चली थी। लेकिन अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी, और उसके सामने अपनी जान पे रिस्क देना तो बहुत ही छोटी सी बात है। बहुत बड़ी गलती कर रही थी मैं तनु, दुश्मन बनकर अपना बदला लेने चली थी। दैट वाज नॉट द राइट अप्रोच। एक्चुअली मैं अब तो मैं दोस्त बनकर अपना बदला लूंगी। क्या प्लान बनाया? पर इन सब का आइडिया कब आया? जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी ना तनु, तब मुझे लगा था कि भाई उन दोनों बहनों से नफरत करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे, और पूरब मुझे फिर से प्यार करने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कुछ भी हुआ एकदम उल्टा हुआ। आई वॉज सो हर्ट कि जैसे मैं जीऊं या मरूं किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब लोगों को लग रहा था कि मैं गलत हूं और जो वो सोच रहे हैं वो एकदम सही। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने इस सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं जाने दूंगी। अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूं। क्या लगता है तुम्हें, आज तक मैंने जो भी प्लान किया उसमें मैं हारी क्यों? क्यों? क्योंकि मैं दुश्मन बनकर अपने सामने वालों को हराना चाहती थी। उनके सामने मैंने सब कुछ गलत किया, इसलिए मैं पकड़ी गई। लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। अब मैं दुश्मन बनके नहीं, दोस्त बनकर वार करूंगी। ठीक जैसे ये बहन जी करती है। अब इसी बहन जी की तरह मैं सबके सामने एकदम अच्छी बनकर रहूंगी। इसने पहले मेरे पूरब को मुझसे छीना और फिर मेरे भाई को, लेकिन अब मैं भी इससे इसका सब कुछ छीन लूंगी। And you know what the best part is? ये बहन जी इस सब में हमारे साथ होगी। तनु मैं अच्छे से जानती थी कि इस एक्सीडेंट से उस बुलबुल को कुछ नहीं होने वाला, मरेगी नहीं, कोई ना कोई उसे जरूर बचा लेगा। मैं तो सिर्फ
उन दोनों के दिमाग में डर पैदा करना चाहती थी, ताकि जब वो सोए तब उन्हें इस बात का डर लगा रहे कि कौन है वो जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कौन है वो जो हमें मारना चाहता है, आखिर वो कौन है जिसने बुलबुल को स्विमिंग पूल में धक्का दिया।